एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ये चैप्टर हमारा काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसके पिछले तीन चार वीडियोस हो चुके हैं, चार वीडियोस हो चुके हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या क्या होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, ये चारों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो चारों फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि सब में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक नंबर ऑफ बायर्स और एंट्री और एग्जिट का क्या सीन है, आपका डिमांड कर्व हो गया, और प्रोडक्ट कैसा होता है, प्राइस कैसे, प्राइस पर कंट्रोल कितना होता है, किसमें कितना होता है, किसमें कितना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे बेसिस पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे ही आपकी जो चारों फॉर्म्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पूरी जो टेबल है ना, आप मेरे साथ फिल करोगे, अगर आपने ये टेबल फिल कर ली तो समझ लो आपको अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा चारों ही फॉर्म्स का, और क्लियर हो जाएंगे, सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम इन चारों को डिफरेंशिएट करेंगे। ये है परफेक्ट कंपटीशन, इधर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस इज़ मोनोपोली एंड दिस इज़ ओलिगोपोली, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट आता है नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। तो सबको पता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स होते हैं। नंबर ऑफ बायर्स तो देखो सब में ही लार्ज हैं, बेसिकली हमें नंबर ऑफ सेलर्स की बात करनी है, तो नंबर ऑफ सेलर्स इसमें लार्ज होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर, पर बायर कैसे हैं, लार्ज हैं। यहाँ पर ओलिगोपोली में क्या है, फ्यू सेलर्स हैं, ठीक है, पर नंबर ऑफ बायर्स कैसे हैं, यहाँ भी लार्ज हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म्स हैं, कितनी फर्म्स हैं, लार्ज, बहुत सारी फर्म्स हैं, तो वो कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात आती है जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, इसमें भी कितनी फर्म्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, पर यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन याद है हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड मिलता है आपको। अब बात आती है मोनोपोली की, मोनोपोली में कैसा प्रोडक्ट होता है, देखो मोनोपोली में प्रोडक्ट होमोजीनियस भी हो सकता है या फिर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, क्योंकि एक ही फर्म है, राइट, तो होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। ओलिगोपोली में कैसा प्रोडक्ट होता है, ओलिगोपोली में भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, नहीं इसमें भी क्या है, इसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड दोनों हो सकते हैं, सॉरी इसमें भी दोनों तरह के हो सकते हैं, होमोजीनियस या फिर डिफरेंशिएटेड। ये चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करके बताती हूँ, इस पॉइंट पर मुझे कन्फ्यूजन है, ठीक है। प्राइस, अगर हम प्राइस की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर कैसा, प्राइस कैसा होता है, यहाँ पर प्राइस कैसा रखते हैं, प्राइस यहाँ पर यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, यानी कि जितनी भी फर्म्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं ना, तो प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। याद है हमने पढ़ा था प्राइस पर इतना कंट्रोल नहीं होता इनका, इतना क्या मतलब बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर प्राइस कैसा होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पार्शियल कंट्रोल होता है, ठीक है, प्राइस पर। तो यहाँ पर प्राइस कैसा होता है, यहाँ पर प्राइस आई गेस, अच्छा ठीक है, नॉट यूनिफॉर्म, यहाँ भी नॉट यूनिफॉर्म होता है। अब ये यूनिफॉर्म ना होने की वजह क्या है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ भी प्राइस कैसा होता है, नॉट यूनिफॉर्म होता है, ठीक, और यहाँ भी प्राइस, यहाँ ओलिगोपोली में कैसा प्राइस होता है, यहाँ भी नॉट यूनिफॉर्म। अब बात आती है कि कहाँ पर ये जो नॉट यूनिफॉर्म है ये किस किस वजह से है। इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्राइस है वो नॉट यूनिफॉर्म इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड होता है ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो यानी कि उसके परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, और जब क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं तो जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ भी प्राइस नॉट यूनिफॉर्म है, पर यहाँ पर किस वजह से है, ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको बताया था ना मोनोपोली में, क्योंकि भाई एक ही बंदा है, एक ही चीज़ बेचेगा तो उसकी दादागिरी चलेगी, वो कुछ भी प्राइस रख लेगा, राइट, और सबके साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा, किसी को कोई चीज़ 10 में दे दी, किसी को वही चीज़ 15 में दे दी, किसी को वही चीज़ 5 में दे दी, तो इसीलिए वो प्राइस उसका यूनिफॉर्म नहीं रहता। यहाँ पर भी नॉट यूनिफॉर्म रहता है ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है।
अब बात आती है एंट्री ऑफ फर्म्स की। यहाँ पर एंट्री ऑफ फर्म्स तो मतलब यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है, यहाँ पर फर्म्स क्या करते हैं, एंट्री कर सकती हैं, अलाउड है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में एंट्री भी और एग्जिट भी, फ्री एंट्री एग्जिट है। बात आती है जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट है वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ओलिगोपोली की बात करें, यहाँ पर एंट्री और एग्जिट रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड है, किस वजह से रेस्ट्रिक्टेड, किस वजह से है कि जो आपका मतलब क्या कहते हैं, ओलिगोपोली एक ऐसा ग्रुप होता है ना, उसमें कार्टल फॉर्म कर लेते हैं अगर वो, तो एंट्री और एग्जिट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। आप देखो कि नया बंदा क्यों आना चाहेगा किसी और के ग्रुप में जब उसका पहले से दबदबा है, नहीं आएगा ना। तो ओलिगोपोली में रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पर आता है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, यहाँ पर कंज्यूमर्स को ना परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट कंडीशंस की, यहाँ पे नॉलेज इम्परफेक्ट होती है। हमने पॉइंट पढ़े थे ना लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, तो यहाँ पे नॉलेज इम्परफेक्ट होती है, यहाँ भी नॉलेज इम्परफेक्ट होती है। और ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, जैसे कि मान लो मैंने आपको वो चार एग्जांपल दिए थे, कुरकुरे, टेढ़े-मेढ़े, टकाटक और इस सब के, तो वो चार जो फर्म्स थी वो कुछ भी मिला करके या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करके, लोअर क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज़ करके आपको देते तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो चार ही फर्म्स हैं, आपको उनमें से किसी से कुछ लेना है, तो इम्परफेक्ट नॉलेज होती है यहाँ पर कंज्यूमर्स को। और अगर हम मोबिलिटी की बात करें, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो यहाँ पर परफेक्टली मोबाइल होती हैं, ठीक है, परफेक्टली मोबाइल होते हैं, यहाँ पर इम्परफेक्टली मोबाइल होते हैं, यहाँ पे मोबिलिटी मतलब पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है और यहाँ भी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तीनों में सेम रहेगा, राइट। अब यहाँ पर आता है फर्म्स डिमांड कर्व, यहाँ पे फर्म का डिमांड कर्व क्या होता है, अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें, फर्म का डिमांड कर्व होता है यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है। यहाँ पर कैसा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये था परफेक्ट कंपटीशन का परफेक्टली इलास्टिक, ये था मोनोपोली का और ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो ये कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक है इससे, मोनोपोली से, तो इसका हो जाएगा मोर इलास्टिक और ये मोनोपोली वाला हो जाएगा लेस इलास्टिक। और यहाँ पर इधर ओलिगोपोली में क्या है, कांट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स्ड प्राइस या आउटपुट का कोई सीन ही नहीं है, कोई एक आपको दे ही नहीं रखा है कि भाई इतना प्राइस होगा, इतना आउटपुट होगा, नहीं, कुछ भी प्राइस हो सकता है, कुछ भी आउटपुट हो सकता है, सारी फर्म्स का एक दूसरे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या है, हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि फर्म का डिमांड कर्व कैसा होगा, भाई इलास्टिक होगा, लेस इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक होगा, ये सब हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। अब अगर अब बात आती है स्लोप ऑफ फर्म्स डिमांड कर्व, फर्म का ये जो डिमांड कर्व आया ना परफेक्टली इलास्टिक, इसका कैसा स्लोप है, मोर इलास्टिक है तो इसका स्लोप कैसा है, तो देखो इस वाले का, इसका स्लोप कैसा होता है, ये तो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ये कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग थे, राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और यहाँ पे क्या है, अगेन सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमिन, ठीक है, हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब क्या है, ये भी आपने याद रखना है कि ए आर इज इक्वल टू एम आर, यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं ना प्राइस के, यहाँ पे क्या है, ए आर ज़्यादा होता है एम आर से, और यहाँ भी ए आर ज़्यादा होता है एम आर से, और यहाँ तो भाई सी एंड डी है ही। अब बात आती है सेलिंग कॉस्ट की, सेलिंग कॉस्ट, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें, हमने सेलिंग कॉस्ट का कहीं जिक्र नहीं किया था, क्योंकि आपस में इतना कंपटीशन है और क्या कहते हैं, प्राइस कंपटीशन यहाँ पर होता है, प्राइस के थ्रू वो वॉर करते हैं, प्राइस वॉर होती है, तो यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी, सेलिंग कॉस्ट मतलब एडवर्टीजमेंट वगैरह, तो एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर हम देखें, सेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि उनको वो करना होता है, अपना जो भी क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें उनको लगानी पड़ती हैं। मोनोपोली में भी नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई एक ही चीज़, एक ही बंदा बेच रहा है, तो उसको क्या ही प्रमोशन की ज़रूरत है, सब उसी के पास खींचे चले आएंगे, उसको क्या करना एडवर्टीजमेंट करके।
और यहाँ पर ओलिगोपोली में भी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। जो फर्म्स हैं वो अपना नॉन प्राइस कंपटीशन करती हैं, कैसे, सेलिंग कॉस्ट के थ्रू, यानी कि एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन के थ्रू। अब आता है डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन में कैसा प्राइस कंट्रोल होता है, जीरो डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल होता है, प्राइस कंट्रोल तो है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, थोड़ा बहुत होता है, ना तो फुल कंट्रोल है ना ही जीरो कंट्रोल है। मोनोपोली में कैसा है, फुल कंट्रोल है, और ओलिगोपोली में कैसा है, पार्शियल है, ठीक है। अब आपका लास्ट पॉइंट बचता है प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है कोई भी फर्म, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ भी अगर हम देखें तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पर फर्म अर्न करती है, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट एग्जैक्टली, यहाँ भी फर्म नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है। और इधर अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, लॉन्ग रन की बात हो रही है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, और यहाँ पर भी फर्म एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करती है, हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। और अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को देखें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, पर शॉर्ट रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। शॉर्ट रन में एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, पर वो लॉन्ग रन में नहीं मिल सकता, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। और ये सारे पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, इन बेसिस पे हम इस ये चारों ही फॉर्म्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक वाला पॉइंट देख के बताती हूँ, हाँ ये बिल्कुल सही है, होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड, ये सारी ही चीज़ें सही हैं। अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया या फिर समझ लिया, एक एक करके दो तीन बार ये टेबल पढ़ो, सारे ही पॉइंट्स एक एक साथ में, कि भाई नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स कितने हैं, इसमें लार्ज हैं लार्ज हैं, फिर सारी चीज़ें रिकॉल करो, सब कुछ दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको बाकी जो थ्योरी है वो भी ठीक है पढ़ लो, पर उसके बाद एंड में ये ज़रूर करो, अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा डिफरेंसेज बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये है हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन, यानी कि जो जो अभी हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ी हैं उनको हम किस किस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पांच बेसिस हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो जस्ट अभी हमने डिफरेंशिएशन के टाइम पर पढ़े थे कि क्या क्या डिफरेंसेज हैं। तो उन्हीं में से ये पाँच मेन पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एक मार्केट को, कि भाई ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और ये ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। तो अब एक एक करके हम ये पांचों पॉइंट समझते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि नंबर ऑफ बायर्स तो देखो सब में लार्ज है, ठीक है, सब में लार्ज है। बात आती है नंबर ऑफ सेलर्स की, नंबर ऑफ सेलर्स देखो, नंबर ऑफ सेलर्स की अगर हम बात करें परफेक्ट कंपटीशन में कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। अगर हम मोनोपोली की बात करें तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स सिंगल है, राइट। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो इसमें लार्ज है, और अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो इसमें फ्यू सेलर्स हैं। तो ये चार पॉइंट्स हो गए जिनके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये ऐसा मार्केट है, वो वैसा मार्केट है, ठीक है। अब बात आती है नेचर ऑफ द कमोडिटी की। जब हम नेचर की बात करते हैं तो नेचर ऑफ द कमोडिटी में नेचर कैसा है, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर आपका प्रोडक्ट कैसा होता है, आपका प्रोडक्ट होता है होमोजेनियस, ठीक है। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो वहाँ पर होता है आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा हुआ है। मोनोपोली और ओलिगोपोली दोनों में ही जो प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस भी हो सकता है या फिर डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि इन बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये मार्केट ऐसा है और वो मार्केट वैसा है। अब आती है बात डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की। अगर हम प्राइस कंट्रोल देखें तो हर मार्केट में ऐसा नहीं है कि सबका प्राइस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, किसी में फुल कंट्रोल है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो अगर हम प्राइस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो प्राइस कंट्रोल में अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो ज़ीरो कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल ज़ीरो है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं है प्राइस पर। सारी चीज़ें कौन डिटर्मिन करता है, मार्केट फोर्सेज डिमांड और सप्लाई के। और अगर हम मोनोपोली की बात करें तो भाई फुल कंट्रोल है, यहाँ पर तो कंट्रोल फुल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, पार्शियल कंट्रोल है, राइट। इन दोनों का मिक्सचर ही तो है एक तरह से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो पार्शियल कंट्रोल है, बीच का सा कंट्रोल है।
और अगर हम ओलिगोपोली की बात करें तो वहाँ पर भी पार्शियल कंट्रोल होता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक सिचुएशन बन जाती है ओलिगोपोली में, वैसे तो पार्शियल कंट्रोल है पर फुल कंट्रोल भी पॉसिबल है। और फुल कंट्रोल कब पॉसिबल है? जब ओलिगोपोली में जो कुछ फर्म्स हैं ना वो मिलकर कार्टल फॉर्म कर लें, अपनी दादागिरी चलाएं, मोनोपोली में आ जाएंगी, तब उनका फुल कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोली में फुल कंट्रोल होता है, राइट? तो इसकी एक स्पेशल सिचुएशन है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिचुएशन है, यूनिक फीचर आप कह सकते हो। ओलिगोपोली में पार्शियल कंट्रोल होता है पर फुल भी हो सकता है अगर वो फर्म्स कार्टल या ट्रस्ट फॉर्म कर लें। अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज की अगर हम बात करें तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में तो जो क्या कहते हैं वो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, उनको क्या है, परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है। पर अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, मोनोपोली की बात करें या ओलिगोपोली की बात करें, तीनों में ही क्या है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, तीनों में ही इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, तीनों में ही कंज्यूमर्स को इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। और अब हम बात करते हैं अगर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स की, तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ये मोबिलिटी एकदम परफेक्ट है, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो परफेक्टली मोबाइल हैं। पर अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें, मोनोपोली की बात करें या ओलिगोपोली की बात करें, तो तीनों में ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्परफेक्ट हैं, या फिर परफेक्टली मोबाइल नहीं है, या फिर परफेक्टली इमोबाइल हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है कंज्यूमर्स को, और परफेक्टली मोबाइल होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोली में और ओलिगोपोली में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो इम्परफेक्टली मोबाइल होते हैं और नॉलेज भी इम्परफेक्ट होती है। ये दो पॉइंट्स तो बहुत ईजी हैं जो आप याद रख सकते हो, बाकी भी ईजी हैं वैसे, ठीक है। और ये मैंने बताई दिया कि नंबर ऑफ बायर्स सब में ही लार्ज होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर खत्म होता है इस टॉपिक के साथ। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और ये चैप्टर हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो मैं धीरे धीरे एक एक करके सारे ही चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो भी बना रही हूँ। आई गेस मैंने 3 या 4 चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो शूट कर लिया है, बना दिया है, अपलोड कर लिया है, 4 चैप्टर्स का हो चुका है, तो आप वो भी देख सकते हो। साथ साथ मैं एक एक करके सारे ही चैप्टर्स का बनाती जा रही हूँ। और इसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स के भी चैप्टर साथ साथ में कवर करने वाले हैं, वो भी चल रहे हैं। और बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।